প্রথমে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘ দিন সহবাস, এরপর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, বিয়ে করতে রাজি না হওয়া, এরপর জানাজানি হয়ে যেতেই মারধর করা, এমনটাই অভিযোগ উঠল আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত ইন্দ্রা কলোনির এক যুবকের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রের মারফত থেকে জানা যায়, ওই এলাকার এক নাবালিকাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে তার সাথে দীর্ঘ দিন ধরে সহবাস করেছে ওই অভিযুক্ত যুবক। ফলে মেয়েটি যখন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে এবং ঘটনাটি যখন জানাজানি হয়ে যায়, তারপরই মেয়েটির ওপর প্রবল অত্যাচার করে ওই অভিযুক্ত প্রেমিক। ফলে প্রেমিকার গর্ভে থাকা বাচ্চাটি নষ্ট হয়ে যায় এবং মেয়েটিকে ছেলে ও ছেলের পরিবার মানতে রাজি নয়, সরাসরি বিয়ে করতে মানা করে দেয় ছেলে এবং ছেলের পরিবার। তারপরে শনিবার রাতে মেয়ের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা আসানসোল দক্ষিণ থানায় এসে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন এবং কঠোর শাস্তির আবেদন জানান ছেলে এবং ছেলের পরিবারের বিরুদ্ধে। उनके से उसको हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, तो आज पता चला कि ऐसे ऐसा केस है, तो उसको लड़का उसका गार्जियन को पूरा बुला के बैठा है कि देखिए ऐसे ऐसा कांड हुआ, उसका माँ मानने के लिए राजी ही नहीं है, बोला नहीं नहीं हम नहीं, मेरा लड़का का है ही नहीं है, बोला हम तो लड़की से भी जिसका बच्चा होगा उसका माँ ही बता सकता कि किसका बच्चा है, तो उसका बड़ा भाई सुने हम पेट में लात मार के उस बच्चा को मतलब ख़त्म कर दिया, तब तक आए हॉस्पिटल में तब तक डेथ कर चुका था बच्चा, पैदा होने के साथ ही मर गया। लड़की इंदिरा कॉलोनी का है और लड़का भी इंदिरा कॉलोनी का है, दोनों नाबालिग है। अभी आप लोग थाना में आए हैं? थाना में केस करेंगे, देखते आगे क्या एक्शन क्या लेते हैं, पुलिस नहीं होगा तो फिर रास्ता उसका घेराव करेंगे आगे। जहाँ तक मेरा नाम पप्पू सिंह, क्या करते हैं? हिंदी तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ का साउथ का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। मेरे साथ वो लड़का पहले बोला कि हम शादी करेंगे। हम लड़का का नाम क्या है? राजीव बावरी। हमको वो हमसे पहले बात करने के लिए बोला, उसके बाद हम बोले कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे, हम बातचीत नहीं कर सकते। तो वो बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे। फिर बात करने के बाद हम लोग बातचीत किए, उसके बाद वो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम मेरे साथ ये सब करो। तो हम बोले नहीं, मांग में सिंदूर भरो, तो वो सिंदूर भी भर दिया। फिर उसके बाद सिंदूर भरा, उसके बाद फिर हमको बोला कि तुम मेरे साथ ये सब करो, हम तुमसे शादी करेंगे। जब क्या काम करता है, क्या नाम है? राजीव बावरी नाम है, कुछ काम नहीं करता। उसका बड़ा भाई काम करता है, उसका बाप का नौकरी है, उसका बड़ा भाई का। और ये कब से आप लोग का परिचय था? ये हो गया अभी तो आठ नौ महीना ही हो रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं, क्यों छोड़ दिया आपके साथ? वो हमको बोल रहा है अब बच्चा हो गया, अब बोल रहा है कि नहीं रखेंगे, मतलब बीच में झगड़ा हुआ, सबको पता चला तो बातचीत बंद हो गया। उसके बाद फिर जब हमको पता चला इसके बारे में, तो हम फ़ोन करके उसको बोलने गए, तो हमको धमकी दिया कि भाई को बोल देंगे मत फ़ोन कर मेरा पास। उसका दोस्त लोग भी धमकी दिया कि फ़ोन की तो मार जान से मार देंगे। उसके बाद फिर हम पापा बाहर चले गए ड्यूटी, तब फिर हम उसके घर में बोलने गए, उसका बड़ा भाई हमको लात से मार के भगा दिया। उसी टाइम मेरा लीवर पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मेरा बच्चा ऐसा। आसनसोल थेके सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।